हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। तो मेरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कभी स्नैक्स तो आपने कितनी तरह की खाई है, तो कभी क्या चीजी पोटैटो स्नैक्स खाई है? नहीं ना। तो चलिए ना, फटाफट मेरे साथ मेरी किचन में साथ में मिलकर बनाते हैं चीजी पोटैटो स्नैक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे पास में कुछ ब्रेड के स्लाइस बच गए हैं, तो इसे हम रफली इस तरह से अभी हाथ से टुकड़े कर लेते हैं। इसमें हम दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालेंगे। देखिए, दूध का यूज़ बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इसे थोड़ा सा हम दूध डालकर इस तरह से इसे 5 से 6 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे। बस हमें कुछ करना नहीं है, इसे थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ देना है। तो यहाँ हम एक पैन ले लेंगे और पैन में 1 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। और जब हमें लगे कि तेल गरम हो गया है, तो उसमें एक बड़ा वाला प्याज जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, उसे डाल देंगे और अच्छे से इसको मैं सॉटे कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए, प्याज को हमें भूनना या फ्राई करना नहीं है, जस्ट सॉटे करना है। और जैसे ही लगे कि ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो ये मैंने बारीक अदरक किस कर रखा था, ये इसमें डाल दूँगी। ये 1 इंच अदरक है, तो जब तक अदरक का कच्चापन ना निकल जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी। आप चाहे तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और अच्छे से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो जैसे ही लगे कि हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई है, तो उसमें मैंने ये ग्रेट करके गाजर रखा हुआ था, तो इसे मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए, इसे मैंने बारीक बारीक करके ग्रेट कर लिया है। और देखिए, गाजर को हमें पकाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट तक इस तरह से हमें मिक्स करना है। बस जस्ट थोड़ा सा ही मिक्स करना है। और उसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी डाल दूँगी और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। और 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बट मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बनाती हूँ। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, जिसे मैंने छोटे छोटे करके काट के रखा था, और इसे 1 से 2 मिनट तक इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो हमें जैसे ही लगे कि गाजर अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स हो गया है, तो इसमें हम आलू डाल देंगे। ये बॉइल्ड किया था मैंने एक बड़ा आलू, उसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और उसे मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से चला लेंगे। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से स्टफिंग को मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम स्टफिंग को अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें फ्रेंड्स एक सीक्रेट डालेंगे, जो जिससे इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाएगा। ये है पिज़्ज़ा सीजलर। तो इसे हम 1 से 2 चुटकी तक डाल देंगे, यानी करीब करीब 1/2 टीस्पून का यूज़ करेंगे। देखिए, इससे फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा बनता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। आपको खाने में ऐसा लगेगा कि आप पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं। तो एक बार ज़रूर इसे इस तरह से बना कर देखिए, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। तो अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, हमने जो ब्रेड को दूध डालकर भिगो के रखा था, ये बहुत बढ़िया तरीके से रेडी हो गई है। अब जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से इसे अच्छे से हम आपस में गूंथ लेंगे। तो ये देखिए, हमने कितने बढ़िया तरीके से इसे आटे के जैसा गूंथ लिया है। तो इसमें अब हमने जो स्टफिंग बना के रखा था आलू और गाजर का, वो इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से थोड़ा इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें और एक सीक्रेट डालना है, वो है सबकी फेवरेट चीज़, बच्चों से लेके बड़े तक। तो ये देखिए, ये है चीज़, ये मोज़रेला चीज़ है, जिसे मैंने ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसका डो बना लेंगे। अगर आपके पास में मोज़रेला चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ स्लाइस का भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनता है। तो इसे अच्छी तरह से हम आपस में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार ये चीज़ी पोटैटो स्नैक्स बना लिया और घर के लोगों को खिला लिया, तो ऑफ कोर्स उन्हें इतना पसंद आएगा कि आपको बार बार वो यही बनाने के लिए कहेंगे। तो ज़रूर इसे घर में एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से बन गई और कितनी टेम्प्टिंग लग रही है। तो इसमें हम अभी बॉन्डिंग के लिए 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, चावल के आटे का भी, बट इससे ये काफ़ी कुरकुरे बनते हैं, इसलिए कॉर्नफ्लावर इसके लिए बेस्ट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी टेम्प्टिंग लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है। तो चलिए अभी चीज़ी पोटैटो स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो हाथ में हम इस तरह से थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लेते हैं ताकि हमारे स्टफिंग चिपके नहीं, और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में इसे गोला काट के हम इस तरह से हथेली पे रख के गोल गोल घुमाएंगे और लंबा लंबा से इसे शेप दे देंगे एकदम फिंगर की तरह जैसे दिखने में लगे। तो इस तरह से हम ये देखिए मैंने इसे बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए केक करके प्लेट में हम इसे सजा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे चीज़ी पोटैटो स्नैक्स तैयार हो गए हैं। तो चलिए अभी इन्हें फ्राई करने का काम करते हैं। तो उसी के साथ ये देखिए फ्रेंड्स ये है पोहा, ये जो आलू पोहा बनाते हैं ना ये वही पोहा है। इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है मिक्सी में डाल के। आप चाहे तो इसके जगह ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास में ब्रेड क्रम्स नहीं है इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया। इससे भी ये काफ़ी टेस्टी बनती है। 2 चम्मच मैंने मैदा ले लिया था, उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा घोल बना लिया है क्योंकि हमें बॉन्डिंग के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो घोल को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। और तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके इस घोल के अंदर हम इस स्नैक्स को डाल देते हैं और अच्छे से अलट पलट कर देते हैं। और अभी इसको हम ये जो हमने क्रम्स बना के रखे थे पोहा का इसमें डाल देंगे और अच्छे से ऊपर नीचे से इसको कोट कर लेंगे। देखिए कोट चारों तरफ से हमें करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से सारे स्नैक्स को हम बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे स्नैक्स बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए इसे हम एक एक करके भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ऑयल गरम करने के लिए रखा था, ये बढ़िया तरीके से गरम हो गई है। तो चलिए अब एक एक करके स्नैक्स को फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमें आराम से ही डालना है और टेम्परेचर को लो ही रखना है क्योंकि हमें कुरकुरा बनाना है, तो जिसके लिए हमें टेम्परेचर को लो रखना होगा। अगर हम टेम्परेचर को हाई रखेंगे तो ये कुरकुरे तो बनेंगे ही बट उतने अच्छे नहीं बनेंगे, इसीलिए हमें बढ़िया कुरकुरा बनाना है इसलिए टेम्परेचर को हम लो ही रखेंगे और 4 से 5 मिनट इसे फ्राई करने में लग जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे चीज़ी पोटैटो स्नैक्स बनके रेडी हो गई है। तो चलिए इसे हम अभी ठंडा कर लेते हैं और बाकी सारे चीज़ी पोटैटो स्नैक्स को इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे चीज़ी पोटैटो स्नैक्स बन के रेडी हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चीज़ी पोटैटो स्नैक्स बनकर रेडी है। तो देखिए कितनी क्रिस्पी और कुरकुरे भी बनी है, मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट और ऊपर से उतना ही कुरकुरा। तो फ्रेंड्स आज की हमारी चीज़ी पोटैटो स्नैक्स आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक आ सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, एक नई वीडियोज़ के साथ में। तब के लिए बाय बाय।